झारखंड में ईडी की कार्रवाई को लेकर राजनीतिक पारा गर्म है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बीजेपी राज्य का माहौल खराब करके राष्ट्रपति शासन लगवाना चाहती है। वहीं जेएमएम ने कहा है कि सोरेन परिवार डरने वाला नहीं है बल्कि लड़ने वाला है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर का कहना है कि सरकार गठन के पहले दिन से ही सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस के इस बड़े आरोप के बाद सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। बीजेपी ने इस मुद्दे पर कांग्रेस और जेएमएम पर पलटवार किया। लगातार भारतीय जनता पार्टी बतौर ईडी के प्रवक्ता की तरह बात करती है। निश्चित रूप से ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ के आम आवाम को भड़काने का प्रयास कर रही है। आम लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार है और उसके प्रति इस तरह का ख्याल कहीं ना कहीं लगातार परेशानी खड़ा कर रहा है और उस निमित्त लोगों का आक्रोश बढ़ते जा रहा है। कभी गवर्नर साहब कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम है और भारतीय जनता पार्टी भड़का करके लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम क्रिएट कराना चाहती है और उस तरह से अगर नहीं सत्ता पे काबिज हो सकते हैं हॉर्स ट्रेडिंग करके तो वो 356 के माध्यम से राष्ट्रपति शासन लगा करके इस तरह से काबिज होना चाहते हैं। ये संभव नहीं है। जनता की चुनी हुई सरकार है, बहुमत की सरकार है, इसको हम लूटने और बर्बाद होने नहीं देंगे। विपक्ष के लोग जिसमें जेएमएम कांग्रेस राजद वगैरह इनकी बौखलाहट का प्रतीक है। देखिए ईडी तो कार्रवाई करेगी, आज करे कल करे। आखिर आठवें पत्र के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी अपने आवास पर ही सही ईडी को क्यों बुलाया? सातवें पत्र में ही कहा था ईडी ने, भाई आप ही तय करें कि कहाँ हम आए, तो सातवां पत्र का भी जवाब आप दे सकते थे, उस समय अपने आवास पर बुला सकते थे। तो आठवां में बुलाए तो देखिए अंदर से डर है और ऊपर से गिदड़ भभकी है, तो जेएमएम वाले गिदड़ भभकी दे रहे हैं। कांग्रेस ने ऐसी संभावना जताई है तो जो भारतीय जनता पार्टी का अभी तक का चरित्र रहा है, चाहे जो इतिहास है, पिछले 9 सालों में इन्होंने कितने राज्यों को अस्थिर किया है, कहाँ कहाँ किस किस हथकंडे अपनाकर, कहीं ऑपरेशन लोटस तो कहीं कुछ कहीं कुछ, उसी की एक कड़ी के रूप में वो देख रहे होंगे। आज एक लोकप्रिय मुख्यमंत्री को किस तरह बदनाम करने की कोशिश, एक गलत परसेप्शन बनाने की कोशिश, और जो प्रताड़ना हो सकता है जो मैक्सिमम, वो आज देखने को मिल रहा है झारखंड में, और उसके खिलाफ जन आक्रोश भी आप देख रहे होंगे। तो उसी अंदाज से इस तरह की का स्टेटमेंट कांग्रेस का आया होगा और मुझे लगता है वो सही भी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि भाई ईडी के आखिरी आठवें सातवें नोटिस को हमने दफन कर दिया, और ये सारी चीज़ें जो है कानून प्रक्रिया से है, या देश कानून से चलता है, संविधान से चलता है। आप संविधान को मानने के लिए, कानून बनवाने के लिए मुख्यमंत्री पद का शपथ लेकर के इस सरकार को चला रहे हैं, और आप ही यदि कानून नहीं मानिएगा, कानून को तोड़िएगा, तो कोई भी कानून पसंद करने वाला या कानून को मानने वाला नागरिक ये प्रश्न तो उठाएगा ही। गलती का जो भी सजा है कानून में उसको स्वीकार करिए,